हेलो स्टूडेंट्स एवरी वन, गुड मॉर्निंग्स। आज जो है हम लोग एक्सरसाइज 5B पढ़ेंगे। इससे पहले हमने वीडियो में अलजेब्रा का एडिशन और सब्ट्रैक्शन पढ़ चुके हैं। आज जो है मल्टीप्लाई बताएंगे, कैसे अलजेब्रा का मल्टीप्लाई करते हैं। चलिए स्टूडेंट एक्सरसाइज 5B की ओर। एक्सरसाइज ये आपका 5B है। देखिए आपको ये माइनस क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट है, -3x² y - 5xy² इन दोनों में आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट स्टूडेंट -3x² y - 5xy² तो -3x² y / की जगह मल्टीप्लाई का निशान देंगे -5xy² तो जो भी आपका जो नंबर है, नंबर में मल्टीप्लाई करें -3 × -5 इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, और जो आपका वेरिएबल है इसमें x² y * x² x y² तो -3 5 = 15 -+ हो गया 3 5 = 15। अब x यहाँ पर कितना है, 2। यहाँ पर x कितना है, 1। x का पावर 2 है, यहाँ पर मल्टीप्लाई में बेस सेम होता है तो पावर ऐड हो जाता है। तो यहाँ पर आपका 2 है, यहाँ पर 1 है, 2 और 1 = 3 हो गए। x के पावर 3 हो गया, y यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है, तो कितना हो गया, y का पावर 3 हो गया। तो ये आपका मल्टीप्लाई स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट हो गया। हम इसके सेकंड की बात करते हैं। सेकंड में है -3/8x^4yz - 16a² y^4b3 है। तो इसको करना है स्टूडेंट, तो -3/8 मल्टीप्लाई इसका भी नंबर ले लेते हैं -16 न्यूमेरिकल हो गया। अब वेरिएबल्स में x^4yz * a² y^4b3 तो 8 × 16 तो -3 × 6 हो गया। एक्स यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर एक्स 4 ही है और एक्स है ही नहीं, x^4 y यहाँ पर 1 है, यहाँ पर y 4 है, तो 4 × 1 = 5 हो गया। जेड यहाँ पर 1 ही है, यहाँ पर जेड नहीं है, बी आपका यहाँ पर 3 है, तो b^3 हो गया। देखिए एक्स हो गया, वाई हो गया, जेड हो गया, ये आपका 1 का भी सेट नहीं है, तो 1 का² हो जाएगा स्टूडेंट। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 है फाइंड द प्रोडक्ट। इसको भी आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। फाइंड द प्रोडक्ट में है क्वेश्चन नंबर 2 आपका दिया गया है। -2xy - 3x³y² - 1/6x² y^7 अब देखिए नंबर जो है मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये -2 × -3 × -1/6 और मल्टीप्लाई आपका जो है यहाँ पर एक्स वाई है, यहाँ पर x³y³x²y^7 तो -2 × 3 = 6 मल्टीप्लाई -1/6 ये सिक्स कैंसिल हो जाएगा। एक्स यहाँ पर 3 यहाँ पर 1 तो 3 × 1 = 4 वाई वाले काउंट कर लीजिए, वाई आपका यहाँ पर 7 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 7 × 9 = 9 1 = 10 वाई का पावर कितना है, 10 तो आपका हो जाएगा माइनस प्लस हो जाएगा, ये आपका 1 ही रहेगा। x^6 y^10 स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 का भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 चलते हैं स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 4 है फाइंड द वैल्यू। इन सब का जो है वैल्यू निकालना है। आपका m4 दिया गया है, m = 1.2 है एंड n = -1 है। तो इस क्वेश्चन में जहाँ जहाँ m है वहाँ पर 1.2 रखेंगे, जहाँ n है वहाँ पर -1 रखें, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करके इसका हम वैल्यू निकालें। देखिए स्टूडेंट ये क्वेश्चन है आपका -10 या m है, तो m की जगह पर 1.2 और इनका क्या है स्क्वायर है, तो स्क्वायर दिए मल्टीप्लाई, n की जगह पर -1, पावर 6 है तो 6, फिर आपका -20, m की जगह पर 1.2, n की जगह पर -1 / 15 तो -10, 1.2 को दो बार किए तो
तो 1.44 144 होगा, दो डिजिट के बाद डेसिमल लगा। माइनस वन के पावर सिक्स, देखिए इवन नंबर है तो वन ही होगा, पॉजिटिव में आएगा। माइनस ट्वेंटी इंटू 1.2 माइनस वन को 15 बार मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये देखिए ये आपका ऑड नंबर है तो ये माइनस में ही आएगा, माइनस वन। तो इसमें हम मल्टीप्लाई के तो 14.40 और इसमें हम मल्टीप्लाई के तो 24.0, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दे माइनस प्लस माइनस 345.60। तो स्टूडेंट हम क्वेश्चन नंबर 5 की बात करेंगे। 5 में है आपका एफ माइनस 4 ब्रैकेट 5y प्लस 7, ये दिया गया है। तो इसमें क्या करना है स्टूडेंट, इसमें हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसके बाद इसी से इसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो माइनस 4 में हम 5 इंटू 5y से करेंगे, माइनस प्लस माइनस फिर 4 में हम 7 से करेंगे। तो 4 5 जा आपका 20y हो गया, माइनस प्लस माइनस 4 7 जा 28 हो गया स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर इसका 6 पार्ट 6 में है आपका, माइनस 6 है, माइनस m माइनस 3। तो माइनस 6 में हम m से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, तो 6m हो गया। अब देखिए ये माइनस और ये माइनस, माइनस माइनस प्लस हो गया, 6 में 3 से करेंगे तो 18 हो गया। बस अब इसको छोड़ देंगे, ये अलग कास्ट का हो गया, यह अलग कास्ट का हो गया। इसका 7 पार्ट, माइनस 2 एक्स स्क्वायर प्लस 3xy माइनस 4y स्क्वायर है। तो माइनस 2 में 2 से करेंगे तो 2 में 2 से करेंगे, 2 जा 4 एक्स स्क्वायर माइनस, तो फिर माइनस में इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस प्लस माइनस 2 3 जा 6 एक्स वाई। फिर इसका जो है इससे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस, ये माइनस प्लस हो गया, 2 4 जा 8 वाई स्क्वायर। अब देखिए सारे जो है अलग अलग स्टूडेंट, ये आपका क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट हम आपको सिंप्लीफाई बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, क्वेश्चन नंबर 13 है। सिंप्लीफाई करना है, एक्स वाई माइनस जेड प्लस वाई जेड माइनस एक्स प्लस जेड एक्स माइनस वाई, यह है स्टूडेंट। ये देखिए आपके पास ये मल्टीप्लाई में है प्लस, ये मल्टीप्लाई में ये प्लस, ये मल्टीप्लाई, तो तीनों को ये जो नंबर दिया गया तीनों को मल्टीप्लाई करके तीनों को ऐड कर देंगे। तो एक्स में वाई से करेंगे तो एक्स वाई प्लस माइनस माइनस, एक्स में जेड से करेंगे तो जेड एक्स, आगे चले y में z से करेंगे तो वाई जेड, वाई में x से करेंगे तो प्लस माइनस माइनस, y में x से करेंगे तो एक्स वाई प्लस z में x से करेंगे तो जेड एक्स प्लस माइनस माइनस, z में y से करेंगे तो वाई जेड। अब देखिए स्टूडेंट एक्स वाई है, यहाँ पर भी एक्स वाई है, एक ही कास्ट का है, एक प्लस एक माइनस का हम काट सकते हैं। प्लस जेड एक्स माइनस जेड एक्स ये भी कट गया, वाई जेड ये भी कट गया, तो आपका रिजल्ट क्या हो गया, सारे कैंसिल हो गए तो स्टूडेंट जीरो हो गया। तो बस स्टूडेंट आज इतना ही रहेगा, हम नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, अपना होमवर्क नोट कर लिए, डू एक्सरसाइज 5B क्वेश्चन नंबर 1 2 14। ओके स्टूडेंट्स।